इसकी प्राइस है सर 3,50,000। 3,50,000 क्या रेट है इसका? इसका सर 4.25 लाख रुपए प्राइस है। 4.25 क्या रेट है इसका? सर 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख में छोड़ देंगे। इसका 2 लाख रुपए प्राइस है। 2 लाख प्राइस। क्या रेट रखे इसका? इसका सर 1.5 लाख रुपए इसका भी प्राइस। 1.5 लाख इसका? इसका 1,40,000 है। 1,40,000। अच्छा, क्या रेट रखे इसका? सर 3.5 लाख रुपए। 3.5 लाख प्राइस। क्या रेट रखे इसका? सर रेट 2,70,000। 2,70,000 इसका प्राइस। 2,70,000। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल व्लॉग सिद्धरान में आपका फिर से एक वीडियो में स्वागत है। आज हम आ गए हैं वर्मा ट्रैक्टर भंडारा करके है, यहाँ से आपको गोंदिया और नागपुर जाने के बीच में ही है, तो पूरा डिटेल्स यहाँ से लेते हैं। और यहाँ आइसर कंपनी का डीलरशिप भी है और सेकेंड हैंड में सभी कंपनी का ट्रैक्टर्स मिल जाते हैं। पूछते हैं अदर स्टेट में फाइनेंस होता है या फिर सिर्फ यहीं के लिए फाइनेंस अवेलेबल है, देखते हैं पूरा डिटेल्स भैया के माध्यम से। और साथ ही अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और आप हमें इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। मेरा आईडी नंबर है चित्राम 1,2,3,4,5। तो चलो भैया को बुलाते हैं और पूरा डिटेल्स लेते हैं। वेलकम माय यूट्यूब चैनल सर। आपका नाम क्या है? अरविंद नागो से। अच्छा, ये शॉप कब से है? ये 50 साल से है सर। अच्छा, यहाँ आप क्या करते हैं? यहाँ पे सीनियर मैकेनिक हूँ और ऑल ट्रैक्टर का भी काम। अच्छा, ये लैंडमार्क बता दीजिए एड्रेस। महात्मा फुले कॉलोनी भोजापुर नेशनल हाईवे भंडारा। यहाँ का आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा और स्क्रीन में भी शो करा दूंगा। आपके पास स्टार्टिंग प्राइस क्या है? स्टार्टिंग प्राइस सर 1.5 लाख से। 1.5 लाख से, उससे कम में भी मिलता है सीजन में? हाँ, 1 से 1.5 लाख के। और अदर स्टेट में फाइनेंस होगा कि? अदर स्टेट में नहीं सर, नहीं हो पाएगा। नहीं। अच्छा, तो अभी सेकंड हैंड में देखते हैं। ये आइसर का है 380। कौन से मॉडल में सर ये? 2014 का मॉडल है। 40 HP का है। 40 HP। हाँ, और इसकी प्राइस है सर 3,50,000। 3,50,000। कितना घंटा चला होगा ये? 4,000 कुछ घंटे चला हुआ है। अच्छा, पासिंग कहाँ है? पासिंग यही भंडारा का है। भंडारा है, MH 36 है ना? बाकी ओके है? पूरा टायर्स वगैरह की चेंज कराने पड़ेंगे? नहीं, टायर्स वगैरह ओके है सर। ये प्राइस नेगोशिएबल है फिर फिक्स है? सर सेबल है, बैठने के बाद कम ज्यादा हो सकता है। बाकी रनिंग कंडीशन है? पावर स्टीयरिंग में? नहीं, सादी स्टीयरिंग है। स्टीयरिंग है, सादा ब्रेक है, डिस्क ब्रेक। अच्छा, इसके बाद देखेंगे ये है 548। कौन से मॉडल में ये सर? 2017 का है। 2017 मॉडल। हाँ, कितने एचपी में आता होगा ये सर? 50 HP में आता है। 50 HP में। रनिंग कितना होगा? रनिंग इसका सर 3,000 के आसपास है। 3,000 के आसपास। हाँ, पासिंग? पासिंग इसका MH 34 है। MH 34। हाँ, चंद्रपुर जिला पासिंग। ओनर कौन सा के? ओनर सर ओनर तो देखते नहीं है ट्रैक्टरों में। हाँ, वो हम कर देते हैं उसमें। अच्छा, क्या रेट है इसका? इसका सर 4.25 लाख रुपए प्राइस है। 4.25 लाख। इसमें हाँ, भी कम ज्यादा होगा? इसमें थोड़ा हो जाएगा, थोड़ा बहुत हो जाएगा। बाकी टायर्स की कंडीशन? टायर्स की कंडीशन सर आगे के टायर गए हुए। हाँ, और ये जो बता रहे हैं रेट, उसमें पेपर इंक्लूड है कि अलग से? नहीं, पेपर में कैसा रहेगा सर? हम RC देंगे, जो कुछ लगने वाला जो खर्चा है, इंश्योरेंस वगैरह, किसी का लैप्स हो चुका हो रहता है, किसी का कुछ रहता है, तो जो कस्टमर लेने वाला रहेगा उसको भरना पड़ेगा। अच्छा, वो सामने जो कस्टमर लेगा उसको भरना पड़ेगा। अभी दूसरे ट्रैक्टर में और कौन कौन सा है? और सर स्वराज है, महिंद्रा है, सोनालिका है। चलो वो ट्रैक्टर देख। ये भी है महिंद्रा का B275D। सरपंच है ना? सरपंच है सर। 2009 का मॉडल है। 2009 का मॉडल। कितने एचपी में आता होगा ये सर? 39 HP में आता है। 39। रनिंग कितना हो गया? रनिंग इसका सर कम से कम अभी कोई गारंटी, क्योंकि 2009 के मॉडल के हिसाब से हम उसका मीटर बंद। रनिंग है ना कंडीशन लेके? रनिंग कंडीशन है, चालू है गाड़ी। चालू है। हाँ, पासिंग कहाँ का होगा? पासिंग इसका सर भंडारा है। यही भंडारा का? भंडारा है पासिंग है इसका। क्या रेट है इसका? सर 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख में छोड़ देंगे। हाँ। अच्छा, इसमें भी नेगोशिएबल हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं ये है सोनालिका। सोनालिका इंटरनेशनल 745। क्या है इसका भी मॉडल? ये मॉडल है इसका भी 2009 का मॉडल है। 2009 का मॉडल। हाँ, इसका 2 लाख रुपए प्राइस है। 2 लाख प्राइस। हाँ। अच्छा, और पासिंग कहाँ का है? पासिंग इसका सर MH 40 है, नागपुर ग्रामीण करके। अच्छा, और कितने HP में आता है ये सर? 45 HP। 45 HP। क्या प्राइस बोलता है? 2 लाख। 2 लाख में छोड़। हाँ। इसके बाद देखेंगे ये है महिंद्रा 265 सरपंच DI। हाँ, ये 2009 का मॉडल है। 2009 का मॉडल। कितने HP में होगा ये? 35 HP में। 35 HP में।
क्या है ओनर वगैरह तो इसका देखते नहीं ज्यादा, पासिंग कहाँ का होगा? पासिंग इसका गोंदिया जिला है। गोंदिया जिला का है। क्या रेट रखे इसका? इसका सर 1.5 लाख रुपए इसका भी प्राइस है। 1.5 लाख इसका भी प्राइस है। रनिंग कंडीशन में ये भी? रनिंग कंडीशन में। हुड वगैरह पूरा कंप्लीट करके देंगे ना यहाँ पे? नहीं, हुड नहीं, जो लगा दिख रहा है अभी ऐसा जैसा है वैसा ही मिलेगा। बाकी जो लिंकेज पट्टे जो निकाल के रखे है वो लगा के मिल जाएंगे आपको। इसके टायर्स के एक साइड के सामने वो हवा यानी उतर चुकी है कर देंगे वो। अच्छा, बाकी हुड वगैरह नहीं देंगे? नहीं नहीं, हुड वगैरह नहीं देंगे। अच्छा, इसके बाद गाड़ी चालू करके देंगे, बैटरी वगैरह मिल जाएगी। भैया ये है ये सेम 734 सोनाली का इंटरनेशनल, कौन हाँ, सी मॉडल होगी ये सर? 2010 का है। 2010 का मॉडल है। 34 HP में गाड़ी है, भंडारा पासिंग है। 34 HP में? हाँ 34 HP। रनिंग है गाड़ी। कितने चल गया ये सर? चलाऊंगा अभी उसका भी कोई पॉसिबल नहीं है क्योंकि 10 मॉडल है, 11 साल हो चुके हैं उसका। इसका 1,40,000 है। 1,40,000। इसके बाद देखते हैं ये है स्वराज 855। ये तो उसमें भी चलता है क्या ये? ये स्वराज का 855 FE। हाँ 2015 मॉडल है। हाँ नागपुर ग्रामीण पासिंग है ये, 55 HP का। 55 HP में? हाँ। कितने चला होगा ये सर? करीबन 5,000 किलोमीटर के, 5,000 घंटे चला हुआ है। अच्छा, क्या रेट रखे इसका? इसका सर 3.5 लाख रुपए। 3.5 लाख प्राइस? प्राइस है। अच्छा, कम ज्यादा हो जाएगा बैठने में? कम ज्यादा? ये भी सेम वैसे ही मिलेगा? हाँ हाँ सेम वैसे ही मिलेगा। अभी इसका वुड क्लॉथ मिल जाएगा भले। वुड है ना इसका? हाँ वुड है लगा हुआ। आपके पास सेकंड हैंड ट्रॉली वगैरह भी मिलते है? नहीं, सेकंड हैंड ट्रॉली वगैरह नहीं रहता। हाँ वो कभी कभी नांगर कैजुअल सेकंड हैंड में, हाँ वो आजर रह जाते हैं। अच्छा, डिमांड जैसे बोले कस्टमर तो दिला देते हैं। दिला देते हैं अभी एक आध रहा। इसके बाद ये है 735 XM। ये कौन सी मॉडल होगी? ये 2011 का मॉडल है सर। 11 कितने HP में? ये सर 39 HP में। 39 HP में कहाँ का है पासिंग? पासिंग इसका सर MH 35 है, गोंदिया। इसका कितना चला होगा ये सर? तकरीबन ये भी 8-9 के करीब करीब चला। 8-9 हजार? 8-9 हजार घंटे के। क्या रेट रखें इसका? इसका सर रेट 2,70,000। 2,70,000। इसके बाद देखते हैं क्या है 480। ये कौन सी मॉडल है सर? 2013 का मॉडल है, 45 HP का है। 45 HP। हाँ क्या है इसका रेट? इसका प्राइस 2,70,000 है, 2013 का मॉडल। कितना चला होगा ये सर? चला है कम से कम ये भी 8-9 हजार किलोमीटर चला, 1,000 घंटे चला हुआ है। अच्छा, बाकी पासिंग कहाँ का होगा? पासिंग यही भंडारा का है। बाकी रनिंग पावर स्टीयरिंग है? नहीं, सादा स्टीयरिंग है, सादा ब्रेक है, सादा डिस्क ब्रेक। अभी और है आपके पास? अभी एक सुमो है सर। अच्छा, सुमो है। हाँ क्या सर ये सुमो का? 2012 का मॉडल है। हाँ। इसकी प्राइस है 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख प्राइस है। हाँ कितना चला होगा ये गाड़ी सर? अभी मैं भी देखा नहीं हूँ इसका कितना है तो फिलहाल। तो बाकी कहाँ का है पासिंग? पासिंग नागपुर है, ग्रामीण। नागपुर ग्रामीण ओनर? हाँ, MH 40 MA। हाँ ओनर सर दूसरा या तीसरा है? दूसरा या तीसरा है। रनिंग कितना हो मतलब? वो तो रनिंग का नहीं पता, रनिंग का पता नहीं। बाकी अंदर के AC वगैरह ऑन है इसमें? नहीं, AC ऑन नहीं है सर, बाकी है। गाड़ी हाँ। रेट कितना बता? रेट 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख में छोड़ देंगे? हाँ। अच्छा, और है अभी? नहीं है, नहीं अभी नहीं है। अच्छा, तो साथ ही अभी देखे इतने सारे ट्रैक्टर्स दिखाए यहाँ, अभी तक वीडियो नहीं बनी, इस वीडियो को शेयर करना ज्यादा से ज्यादा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। साथ ही इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं, मेरा ID नंबर है Chitram12345, और फेसबुक में भी ब्लॉग Chitram सर्च करेंगे तो वहाँ भी हमारा वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो चलो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।